जागृत करना सबसे पहला जो उद्देश्य होता है संगीत में वो था शौक पैदा करना। इस वर्ष राजस्थान संगीत संस्थान ने एक विशेष नवाचार करने का प्रयास किया है, जिसके तहत हम ग्रीष्मकालीन शिविर में प्रख्यात संगीतज्ञों के माध्यम से एक ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित कर रहे हैं। ये शिविर आरोहण के नाम से है और ये 22 दिनों में 15 क्लासेज है। इसमें चार विधाएं सिखाई जा रही है, वायलिन, तबला, कथक और गायन। ये शिविर हम राष्ट्रीय कला मंच के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं। इस शिविर में एक और उल्लेखनीय बात ये भी है कि हम 30 बच्चे जो कच्ची बस्तियों से हैं उनके जीवन में कोई खुशी जाए, उनके अभावग्रस्त जीवन में कहीं रिदम झरंकत करे, ऐसे 30 बच्चों को प्रशिक्षण उनको प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय कला मंच विद्यार्थी परिषद की एक गतिविधि है, उसी गतिविधि के माध्यम से हम लोग यहाँ राजस्थान संगीत संस्थान में आरोहण नाम से एक कार्यक्रम, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जैसा कि हम सबको विदित है कि राजस्थान संगीत संस्थान कला और संस्कृति को विशेष रूप से राजस्थान में प्रमोट करता है, उसी में हमारा एक आग्रह रहा राजस्थान संगीत संस्थान से कि ऐसे विद्यार्थी जो संगीत में अभिरुचि रखते हैं उनको इस ग्रीष्मकाल में कुछ प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि अपने जीवन में वो संगीत को लेकर कुछ विशेष काम कर सके और अपनी संस्कृति को भी आगे लेकर बढ़ सके। इसी माध्यम में हम लोग परमार्थ के संजय जी भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोगों ने आग्रह किया तो 30 विद्यार्थी उनके संस्कार केंद्रों के हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए। राजस्थान संगीत संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप एवं राष्ट्रीय कला मंच के श्रीमान रोहित जी के संयुक्त प्रयासों से आयोजित आरोहण 15 दिवसीय संगीत तपस्या के शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम परमार्थों के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं। 30 ऐसे अपने जवाहर नगर के टीलों के बच्चे यहाँ पर नृत्य, गायन, तबला वादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।